चलो बच्चों, तो आज गुजराती के जो है भैया चैप्टर्स देखे हैं हम लोग। तो गुजराती में आज पहला काव्य देखें, काव्य का नाम है जागने जादवा। जागने जादवा, ठीक है ना। जादवा यहाँ पर, ये जादवा वर्ड वो श्री कृष्ण के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है ना। जादवा, उसे श्री कृष्ण को क्यों जादवा कहते हैं, क्योंकि वो जो है भैया जादव कोड के थे, कहते हैं जादव जाति के थे, उस कोड के थे, इसीलिए उनके लिए यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जागने जादवा। जिनके पोएट हैं, जिनके कवि हैं नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता हमें पता है जो श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त थे, उनकी लिखी हुई ये पोयम है। और हमेशा जब कोई पोयम किसी के ऊपर लिखी जाती हो ना, तो उस पोयम को कहते हैं पद। इसका भी जो है भैया साहित्य प्रकार पद है, इसके पोएट नरसिंह मेहता और इसका साहित्य प्रकार पद है जागने जादवा। इसमें जो है वो श्री कृष्ण को क्यों जागने के लिए कहते हैं नरसिंह मेहता, वो इसके लिए कहते हैं क्योंकि श्री कृष्ण जो है वो अब चले गए हैं, है ना। श्री कृष्ण अब चले गए हैं और इसकी वजह से नरसिंह मेहता अब जो है वो श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं और उन्हें जो है वो ये जैसे फिर से बुला रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण जो है वो वृंदावन में अपनी अपनी जो है वो ये बचपन में अपनी जगह पर फिर से आ जाए, काश श्री कृष्ण जो है वो ये फिर से लौट आए, ठीक है ना। इसलिए नरसिंह मेहता श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं इस पोयम में। तो देखो किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं और कौन कौन सी बातें कह रहे हैं। कहते हैं जागने जादवा, जागने जादवा कृष्ण गुवाड़िया, तुझ बिना घेनमा कौन जाशे, है ना, तुझ बिना धेनमा कौन जाशे। कहते हैं जागने जादवा श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि जागने जादवा कृष्ण गुवाड़िया, गुवाड़िया होते हैं ना गुवाड़िया, गुवाड़िया मतलब गायों को चराने वाले, बरोबर। तो वो कृष्ण को कह रहे हैं कि भाई जो है भैया तुम जागो, तुझ बिना धेनमा कौन जाशे। धेनमा मतलब कहते हैं कि भाई वही गायों चराने के लिए, है ना, गाय चराने के लिए भाई कौन जाएगा, भाई तुम बिना कौन इन गायों को जो है भाई चराने के लिए जाएगा, ठीक है ना। श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के लिए उनकी जो गाय थी वो भी जो है भैया उनके साथ, कहते हैं श्री कृष्ण के साथ तो उनकी गायों का भी बहुत अच्छा कनेक्शन था, वो भी जैसे श्री कृष्ण के साथ जुड़ जाती थी। और श्री कृष्ण के जाने के बाद सिर्फ इंसान ही नहीं, लेकिन वो भी जो है भैया उदास हो चुकी थी, इसलिए उन्हें कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे बिना जो है, तुम्हारे बिना जो है भाई उन गायों को चराने के लिए कौन जाएगा, इसलिए उन्हें वापस बुलाने के लिए कह रहे हैं। कहते त्रणसे ने साठ गुवाड़ तोड़े मड़िया, वड़ो रे गुवाड़ियो कौन थाशे। कहते त्रणसे ने साठ गुवाड़ तोड़े मड़िया, यहाँ पर त्रणसे साठ मतलब कहते हैं कि भाई जो है वो 360 जो नंबर कहते हैं 360, यहाँ 360 नंबर है, दो वे में दिया हुआ है। 360 गुवाड़, गुवाड़ मतलब जो जो वहाँ के ग्वाले थे, है ना, वृंदावन के जो ग्वाले थे, तो वो गुवाड़ टोड़े मड़िया, टोड़े मड़िया मतलब सब जो है भैया साथ में मिले। हमें पता है श्री कृष्ण हमेशा अपने ग्वालों के साथ रहते थे, उनके साथ झुंड में हमेशा रहते थे। तो कहते हैं 360 गुवाड़ टोड़े मड़िया, हमेशा वो जो है भैया सब जब साथ में मिले, तो 360 उन ग्वालों को भी कहा हुआ है कि जैसे गाँव के सभी ग्वाले मिलकर 360 ग्वाले हैं वहाँ पर, ऐसे भी बताया हुआ है, ठीक है ना। और 360 जो है वो ये पूरे साल का भी बताया हुआ है कि 360 दिन मतलब भाई जो है वह हमेशा पूरा साल हर रोज वो ग्वाले जो है वो ये साथ में मिलते हैं। और उन सबका वड़ो, वड़ो मतलब उनका हेड, उनका लीडर, तो वो वड़ो उनका लीडर हमेशा कौन बनता था, श्री कृष्ण ही बनते थे, ठीक है ना, श्री कृष्ण ही हमेशा उनके लीडर बनते थे। तो कहते हैं कि भाई जो है वो ये सब ग्वाले 360 जैसे एक नंबर, लेकिन ऐसे समझा जाए तो इसमें समझाया हुआ है कि ग्वार टोड़े मड़िया मतलब सब ग्वाले जब साथ में हुए तो उनका लीडर हमेशा श्री कृष्ण ही बनते थे। तो कह रहे हैं अब तो श्री कृष्ण नहीं है, तो कहते हैं वड़ो रे गुवाड़ियो कौन था से, गुवाड़ियो मतलब उन ग्वालों का, वड़ो मतलब लीडर, कौन था से मतलब कौन बनेगा। तो कहते हैं आप जो चले गए हो तो अब उनका लीडर कौन बनेगा, इसलिए वो श्री कृष्ण को फिर से बुला रहे हैं। कहते हैं जागने, यहाँ पर जो है लास्ट में डॉट करके दिया हुआ होता है, ये एक पोएटिक वे में दिया हुआ होता है कि जब पोयम में जो है जब गाया जाता है तो ये पहली लाइन हमेशा रिपीट होती है ना, जागने मीन्स ये जागने जादवा कृष्ण गुवाड़िया, ये लाइन रिपीट होती है हमेशा। ऐसे ही आगे कहते हैं दही तना दही थरा, घी तना घेबरा, कढ़ियल दूध ते कौन पीशे। यहाँ पर श्री कृष्ण की जो है भैया सबसे मनपसंद चीज है, श्री कृष्ण जब जो है भैया छोटे थे तो वृंदावन में क्या करते थे, कोई भी जो है भैया गोपियों के घर चले जाकर, किसी के भी घर जाकर उनकी जो है भैया मनपसंद वांगी या उनकी जो भी जो मनपसंद चीज़ें हैं उनकी डिमांड करते थे, या कितनी बार तो माखन जैसी चीज़ें तो वो खुद लेकर जो है वो खा लेते थे।
और हर कोई खुशी खुशी उन्हें देता भी था श्री कृष्ण को, लेकिन अब श्री कृष्ण नहीं है तो हर कोई जो है वो ये गांव में उदास है। हर कोई जो है वो अब ये जो है क्या कहते हैं कि भाई इच्छा रखते हैं कि अब काश श्री कृष्ण फिर से आ जाए और हमारे घर से ये चीज़ें लेकर जाए। तो कहते हैं दही तणा दही थरा, दही थरा एक तरह की वानगी आती है, दही से बनी हुई दही थरा, घी तणा घेबरा, घेबरा घेबर वो भी एक तरह की जो है वो ये मीठी वानगी है जो घी से बनी हुई। घी तणा घेबरा कढ़ियल दूध, कढ़ियल दूध मतलब बॉईल किया हुआ जो है वो ये दूध, ते कुण पीशे, कुण पीशे मतलब अब कौन पिएगा, भाई आप नहीं हो तो अब ये सब चीजें जो है वो ये कौन खाएगा या कौन पिएगा। कहते हैं हरी तारे हो हाथी हो काड़ी नाथ नाथी हो भूमि नो भार ते कुण लेशे। कहते हैं श्री कृष्ण जब यहाँ पर थे ना तो उन्होंने सिर्फ जो है वह अपनी लीला ही नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कितने सारे जो है वह ये जीवन सुधारे थे, कितने सारे जीवन का जो है वह ये उद्धार किया था। और वो जीवन का उद्धार जो है वह ये इस तरह से किया था कि भाई जो लोग कितने सारे जो है वह राक्षस थे या कितने सारे जो है वो क्या कहते हैं कि दानव थे, उन दानवों को मारकर उन्होंने उनका उद्धार किया था। तो वही यहाँ पर कुछ नाम दिए हुए, कहते हैं हरी तारे हो हाथी हो, हरि ने जो है वो हाथी हो जो पसंद है उनको जो है वो ये तारे हो, तारे हो मतलब कि भाई उनका जो है वो ये उद्धार किया। काड़ी नाग नाथी हो, और जो काड़ी नाग उनको जो है वो नाथी हो मतलब उनको भी भगाया, उनका भी उद्धार किया। काड़ी नाग जो उन्हें जो है वो ये जल में जाकर नदी में जाकर जो उस नाग को मारा था, ठीक है ना। तो कहते हैं कि भाई उन्होंने कितने सारे जो है वो ये देव और दानवों का उद्धार किया है। तो कहते हैं अब वो चले गए हैं तो भूमि नो भार ते कुण लेशे, भूमि नो भार मतलब कि अब पृथ्वी पर इन सब चीजों को कौन संभालेगा। बराबर आगे कहते हैं कि जमुना ने तीरे गोधन चरावता मधुरी सी मुरली कुण वाशे। दूसरा ये कि भाई श्री कृष्ण और क्या करते थे कि जब वो गोधन, गोधन मतलब जब गायों को चराने जाते थे, है ना, जमुना ने तीरे, जमुना मतलब जमुना नदी के, यमुना नदी के तीरे मतलब किनारे, यमुना नदी के किनारे जब वो गायों को चराने जाते थे तो हमेशा जो है वो ये मुरली बजाते थे वहां पर। तो कहते जमुना ने तीरे गोधन चरावता मधुरी सी मुरली कुण वाशे, मधुरी सी मुरली कुण वाशे मतलब कि अब इतनी मीठी मीठी मुरली, इतनी मीठी मीठी जो है वो मुरली कुण वाशे कौन बजाएगा। तो कहते अब जो है वो श्री कृष्ण नहीं रहे, ठीक है, तो वो गाय चराने कौन जाएगा और गाय चराते वक्त इतनी मीठी मीठी मुरली कौन बजाएगा। आगे कहते हैं कि भणे नरसैयो तारा गुण गाई रीजिए बुढ़ता बाड़ी कुण साशे। कहते हैं भणे नरसैयो, नरसिंह मेहता खुद के नाम लेकर कहते हैं कि तारा गुण गाई रीजिए, तारा गुण गाए मतलब आप तुम्हारी महानता के बारे में, श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि आपकी महानता के बारे में जो है वो ये बातें करके गाकर रीजिए मतलब हमेशा खुश रहते हैं, आपकी बातें आपकी महानता उनके बारे में गाकर हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन साथ में कहते हैं कि बूढ़ता बायड़ी कुण साशे, बूढ़ता बायड़ी, बूढ़ता मतलब डूबते हुए को, बायड़ी मतलब हाथ देना सहारा देना, कुण साशे मतलब अब कौन देगा। तो श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि भाई आपका नाम लेकर तो हम हमेशा जो है वो ये खुश रहेंगे, लेकिन तुम्हारे बिना आपके बिना, श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि भाई आपके बिना डूबते हुए को सहारा कौन देगा, ठीक है ना। तो नरसिंह मेहता श्री कृष्ण को जो है वो ये बहुत याद कर रहे हैं और उनके लिए जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई काश श्री कृष्ण जो है वो ये फिर से लौट आए तो जिससे उनको और हर किसी को जो है वो ये सहारा मिले, ठीक है। तो देखो आज जैसे हमने ये पोयम समझी तो ऐसे ही आज के वीडियो में एक और पोयम हम लोग समझे। हाँ चैप्टर गुजराती के जो है वो ये चैप्टर्स हम लोग दूसरे वीडियोस में समझेंगे, आज एक और पोयम जो है वो हम लोग समझ लें। तो काव्य थ्री थर्ड जो है वो ये पोयम है हमारा सुदामा चरित्र, सुदामा चरित्र जो प्रेमानंद का लिखा हुआ है ना, जिनके कवि हैं प्रेमानंद और जिनका साहित्य प्रकार आख्यान खंड है। आख्यान खंड साहित्य प्रकार वो कहलाता है कि जब कोई एक बहुत बड़ी स्टोरी में से कोई एक पार्ट जो है वो ये लिया हुआ हो, आख्यान मतलब कहते हैं पूरी स्टोरी जो पोएटिक वे में लिखी गई हो और उसका खंड, खंड मतलब एक पार्ट, तो पूरी स्टोरी में से एक पार्ट जब जो है वो ये दिया हुआ हो ना तो उसे आख्यान खंड कहते हैं। तो ये सुदामा चरित्र वो एक तरह का आख्यान खंड है। सुदामा चरित्र अगर आपको याद आता हो तो सुदामा ये कैरेक्टर आपको याद आता होगा ना, है ना, कि श्री कृष्ण के जो है वो ये सबसे खास मित्र थे सुदामा,
सुदामा के बारे में आपको पता है कि सुदामा जो है वो बहुत गरीब थे, कि जो श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए गए थे, पता है ना, थोड़े से जो है वो चावल लेकर से मदद मांगने के लिए गए थे, और श्री कृष्ण ने बिना कहे उनकी काफी मदद की थी, है ना, उनका जो है वो ये जीवन सुधार दिया था। तो सुदामा की वो कहानी हमें पता है, लेकिन यहाँ पर वो कहानी नहीं है, यहाँ पर कन्वर्जेशन जो है वो ये सुदामा और उनकी पत्नी की है। सुदामा और उनकी पत्नी की जो है वो ये यहाँ पर कन्वर्जेशन है, जहाँ पर उनके पत्नी जो है वो सुदामा को समझा रहे हैं कि अब घर में जो है वो परेशानियाँ बढ़ चुकी हैं, तो आप प्लीज़ श्री कृष्ण के पास जाइए और उनसे जो है वो ये मदद के लिए कहिए, ठीक है ना। उनके पत्नी उन्हें कह रहे हैं, जबकि सुदामा जो है वो ये मना कर रहे हैं, सुदामा मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारा ही जीवन है, हमारे ही कोई बुरे कर्म होंगे इसकी वजह से हमारा जीवन आज जो है वो ये ऐसा हो चुका है, ठीक है ना, कि हमारे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, तो मैं किसी के पास मदद मांगने नहीं जाऊंगा। तो इन दोनों की कन्वर्जेशन जो है वो बहुत अच्छे पोएटिक वे में यहाँ पर समझाई गई है, सुदामा और उनके पत्नी की, जहाँ पर हम लोग ये उनकी कन्वर्जेशन समझे। तो देखो पोएटिक वे में है और ध्यान से सुनना, कहते हैं पछे सुदामा जी बोलिया सुन सुंदरी रे, कहते हैं पछे सुदामा जी बोलिया और फिर सुदामा जी बोले सुन सुंदरी रे, सुन सुंदरी रे, सुंदरी मतलब जैसे अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि भाई तुम सुनो, हूँ कहूँ ते शिखामण मान, भाई मैं जो बोल रहा हूँ ना वो शिखामण, भाई वो सीख समझ, गेली कौने करी रे, गेली कौने करी रे मतलब किसने भाई जो है वो तुम्हें पागल बनाया है ना। अब यहाँ जो ये जो लाइन्स है ना, सुन सुंदरी रे गेली कौने करी रे, ये जो लाइन्स हैं ये लाइन हर किसी में रिपीट होती है, क्योंकि जैसे पोएम पोएटिक वे में जब ये गाया जाता है तो ये लाइन्स हमेशा कोरस में एक साथ जो है वो ये गाई जाती है, तो ये लाइन सब में रिपीट होती है। सुन सुंदरी रे मतलब वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं कि घेली कौने करी रे, भाई तुम्हें किसने पागल बनाया, क्यों ऐसी सोच तुम लेकर बैठी हो। तो देखो ये लाइन सब में रिपीट होगी, ठीक है। तो अब ये लाइन्स नहीं, हम लोग मेन लाइन जो है वो ये समझते हैं। कहते हैं पछे सुदामा जी बोलिया हूँ कहूँ ते शिखामण मान, सुदामा जी ने कहा कि भाई जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, जे निम्यू ते पामिए विधिये लखी वृद्धि हान, कहते हैं जे निम्यू ते पामिए, जे निम्यू मतलब जो जो है वो नियति में लिखा हुआ, जो नसीब में लिखा हुआ है, ते पामिए मतलब वही मिलेगा, विधिये लखी वृद्धि हान, विधि मतलब नसीब में ही लखी लिखा हुआ है, वृद्धि हान, वृद्धि हान मतलब कि भाई हमेशा जो है वो ये बुरा नसीब, वो कहते हैं ना कि भाई ऐसी गरीबी ऐसी परेशानी लिखी हुई है, वृद्धि मतलब तो प्रोग्रेस कहते हैं और हान मतलब पीछे होना, तो इसका मतलब जो हम लोग पीछे हैं, जो गरीब हैं, परेशानियां हैं, ये हमारे नसीब में ही लिखी हुई है, तो जो नसीब में लिखा है वही मिलेगा। सुदामा जी अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि देखो जो नसीब में है वही मिलेगा, भाई मैं किसी के पास मदद मांगने नहीं जाऊंगा। कहते हैं सुकृत अने दुकृत वे मित्र छे जाए प्राण आत्मा ने साथ, कहते हैं जीवन में दो ही चीजें जो है वो प्राण आत्मा ने, मतलब कि भाई जो है वो मरने के बाद दो ही चीजें से वो हमारे साथ आती है, सुकृत और दुकृत। सुकृत मतलब कहते हैं अच्छे कर्म और दुकृत मतलब कहते हैं बुरे कर्म। वे मित्र छे कहते हैं कि भाई सुकृत और दुकृत अच्छे कर्म और बुरे कर्म यही दो दोस्त हैं, जाए प्राण आत्मा ने साथ, कहते हैं यही दोनों सिर्फ हमारे मरने के बाद हमारे साथ आते हैं, कहते हैं मरने के बाद कुछ हमारे साथ नहीं आता, लेकिन सिर्फ हमारे अच्छे और बुरे कर्म ही हमारे साथ रहते हैं। तो सुदामा जी कहते हैं कि भाई मैंने कभी अच्छे कर्म किए ही नहीं होंगे, इसकी वजह से मुझे कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा है। कहते हैं दीदा बिना नव पामी है ना, दीदा बिना नव पामी है। सुदामा जी कह रहे हैं कि भाई कभी किसी को कुछ देंगे ही नहीं तो कुछ मिलेगा भी कैसे, दीदा बिना नव पामी है कि भाई बिना दिए कुछ मिलता भी नहीं है। नथी आप्यू जमणे हाथ, नथी आप्यू जमणे हाथ, जमणे हाथ मतलब सीधे हाथ से, मतलब अच्छे जो है वो कहते हैं ना अच्छी सोच लेकर अच्छे विचार से कभी कुछ दिया ही नहीं। सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि हमने कभी किसी को कुछ दान दिया ही नहीं तो हमें मिलेगा भी कैसे, है ना, बरोबर ना। ये तो सच में जो है वो कुदरत का नियम भी कहते हैं कि आप जितना दूसरों को देंगे उतना आपको मिलेगा, ऐसा कहा जाता है, बरोबर। तो सुदामा जी भी वही कह रहे हैं कि भाई जो है वो दीदा बिना नव पामिए, बिना दिए कुछ मिलता भी नहीं है। तो कहते हैं नथी आप्यू जमणे हाथ, कहते हैं कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं तो आज हमें भी कहाँ से मिलेगा, हमारी हालत भी वैसे ही है। आगे कहते हैं जो खड़दान खेड़ी वावी है तो क्या थी जमी है शाड़, कहते हैं जो खड़दान खेड़ी वावी है, खड़दान, खड़दान एक तरह का अनाज आता है लेकिन एकदम हल्के प्रकार का अनाज,
एकदम हल्की जाति का जो है भैया अनाज आता है उसे कहते हैं खड़दान। कहते हैं खड़दान खेड़ी वावी है, खेड़ी मतलब खेतर में। कहते हैं अगर जो है वो हम लोग खड़दान हल्की जाति का अनाज अगर उगाएंगे तो क्या थी जमी है शाड़। शाड़ मतलब भी एक तरह का अनाज है, लेकिन एक ऊंची एक अच्छी क्वालिटी का जो है भैया अनाज आता है ना। तो वो कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ पे भी तो वो कहावत कहते हैं ना कि अगर आप कांटे बोओगे तो उसमें से फूल थोड़ी मिलेगा, वो कांटे बोओगे तो कांटे ही मिलेगा। वही बात यहाँ पे दी गई है कि अगर खड़दान हल्की जाति का अगर आप अनाज ने अगर जो है वो खेत में लगाओगे तो वैसा ही अनाज मिलेगा, कोई अच्छी क्वालिटी का थोड़ी। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि भाई जो हमने किया होगा वही हमें मिलेगा ना। जड़ वही गए शी सोचना जो प्रथम न बांधी पाड़। आज सुदामा की हालत बहुत खराब है, घर में जो है वह जैसे कहते हैं ना कि भाई खाने पीने के लिए भी जो है वह तकलीफें हैं। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि जड़ वही गए शी सोचना। कहते हैं अब जो है भैया जड़ मतलब कि भाई अब सॉरी अब जो है वो कह रहे हैं कि अब जड़ वही गए मतलब अब जो है भैया पानी बह गया। कहते हैं ना अब जो है भैया बाढ़ आ गई तो शी सोचना, तो अब क्या सोचना जो प्रथम न बांधी पाड़। प्रथम न बांधी पाड़, पाड़ मतलब एक तरह का डैम जैसे बांधना। वो कहते हैं ना भाई पहले डैम बांधा नहीं, पहले दीवार बनाई नहीं, अब बाढ़ आ गई तो अब क्या सोचना है ना। मतलब पहले कुछ अच्छे कर्म किए नहीं, अब मुसीबत आ गई तो अब क्या सोचना फिर, ऐसे सुदामा जी कह रहे हैं। आगे कहते हैं वो कहते हैं एकादशी व्रत कीधा नथी नथी कीधा तीर्थ अपवास। ये सब अच्छे कर्मों के बारे में सुदामा जी कहते हैं। कहते हैं आज तक कभी कोई व्रत किए नहीं, कोई तीर्थ अपवास किए नहीं। अग्नि तृप्त कीधा नहीं नहीं श्वान वायस गोग्रास। अग्नि तृप्त कीधा नहीं, अग्नि तृप्त करना मतलब वो कहते हैं जैसे वो कहते हैं ना भाई हवन वगैरह जो है ये करना है ना। अग्नि तृप्त कीधा नहीं मतलब वो कहते हैं कि भाई घर में जैसे कोई हवन वगैरह हो, वो कभी कुछ किए नहीं है, कोई अच्छे कर्म किए नहीं। नहीं श्वान वायस गोग्रास, श्वान वायस गोग्रास ये कहते हैं ना भाई श्वान मतलब जो है ये डॉग को कुत्ते को कहते हैं, वायस मतलब कौवे के बारे में क्रो के बारे में किया कहा जाता है, और गोग्रास गोग्रास गो मतलब गाय और ग्रास मतलब उनका घास। आज भी काफी घर में ऑलमोस्ट घर में जो है वो ये रिवाज है कि भाई कुछ भी खाने से जो है कुछ भी खुद खाने से पहले श्वान जो है भाई एक कुत्ते के लिए एक कौवे के लिए और एक गाय के लिए कुछ ना कुछ अनाज कुछ ना कुछ खाना अलग जरूर करते हैं, पर ये एक अच्छे कर्मों में जो है भाई माना जाता है। सुदामा कहते हैं नहीं श्वान वायस गोग्रास, कहते हैं कभी जो है वो दूसरों को अनाज खिलाया नहीं, कुछ जानवर को कभी कुछ खिलाया नहीं, ये अच्छे कर्म किए नहीं, ये सब उन्हीं की लिस्ट है ना। कहते हैं ब्रह्म भोजन कीदा नहीं नथी कीदा होम हवन। ब्रह्म भोजन मतलब कहते हैं कि भाई कभी जो है भैया साधु संतों को कभी भगवान को भोग चढ़ाया नहीं, कभी उन्हें खिलाया नहीं। नथी कीदा होम हवन, ना ही घर में जो है वो कुछ कथा कुछ हवन कभी कुछ किए नहीं। अतीत निर्मुख वाड़िया तो क्या थी पामी है अन्न। कहते हैं अतीत निर्मुख वाड़िया, अतीत निर्मुख वाड़िया मतलब कि घर पे आए हुए, या जो वो कहते हैं ना कि भाई हमारे जो है ये जो फोर फादर्स जो हमारे जो है वो पूर्वज हैं उन्हें कभी जो है वो उनके लिए कभी कुछ काम किया नहीं। जो पूर्वजों को जो है भैया खाना खिलाना उनका श्राद्ध जैसा काम करना वो कभी कुछ किया नहीं। तेमने निर्मुख वाड़िया तो क्या थी पामी है अन्न है ना। या जो घर पे आए हुए जो भी जो मेहमान होते हैं जो साधु संत तो उन्हें कभी जो है वो कुछ खिलाया नहीं, उन्हें भूखे ही लौटा दिया तो क्या थी पामी है अन्न। तो भाई हमें अनाज कहाँ से मिलेगा। हरि प्रसाद लीदो नहीं हुत हेश न कीदो आहार। हरि प्रसाद लीदो नहीं मतलब कभी किसी का प्रसाद जब हम कोई मंदिर या कहीं जाते हैं तो वहां का प्रसाद कभी लिया नहीं। हुत शेष न कीदो आहार, हुत शेष न कीदो आहार मतलब कि भाई जो है वो कभी कुछ ऐसे प्रसाद की तरह कभी कुछ जो है वो जैसे साधु संत या किसी के कोई मंदिर में जैसे जो भोग चढ़ता है वो भोग का कभी कुछ आहार कुछ खाना लिया नहीं, कभी कुछ भोग लिया नहीं। ठीक है ना। तो ये कभी कोई जो है भैया ऐसे अच्छे कर्म किए नहीं। कहते हैं आ उधर पापे भरया। कहते हैं आ उधर भाई इस पेट में हमेशा पाप ही भरे मतलब हमेशा बुरे ही काम किए हैं। छूटिया पशु नो अवतार, छूटिया पशु नो अवतार मतलब एक जानवरों की तरह हमने जिंदगी जी है। सुदामा कहते हैं एक जानवरों की तरह जिंदगी जी है। संतोष अमृत चाखिए हरि चरण सौंपी मन। बराबर। तो अब वो सुदामा जी क्या कह रहे हैं कि देखो कभी कोई अच्छे काम नहीं किए, जानवरों की तरह जिंदगी जी है हमने। तो वो
वो अपनी पत्नी को समझा रहे हैं कि संतोष अमृत चाखिए, कि अब जो है ना उसमें संतोष मानो भाई, जो है अब वैसे ही रहने दो, भले गरीबी है तो गरीबी रहने दो। हरि चरण सौंपी मन, हरि चरण सौंपी मन मतलब अब जो है ये भगवान में बस अपना मन लगाओ, चाहे भले कुछ मिले या ना मिले। भक्ति है नव निध पाम से धरो धीर तमे स्त्रीजन, है ना, स्त्रीजन मतलब अपनी पत्नी को वो कह रहे हैं कि भक्ति है नव निध पाम से, कि अब जो है वो ये भक्ति करो, मतलब अब भगवान की भक्ति करो नव निध पाम से। नव निध मतलब कि भाई जरूर कुछ ना कुछ जो है वो ये मिलेगा, फिर जो है वो कुछ नया मिलेगा, कुछ ना कुछ सही जरूर होगा। धरो धीर तमे स्त्रीजन, धरो धीर, धीर मतलब अब थोड़ा धीरज रखो। सुदामा कह रहे हैं कि भाई मैं किसी से मदद मांगने नहीं जाऊंगा, कि अब जो कुछ भी होगा वो सब जो है भैया ठीक से खुद ही, बस भगवान की भक्ति करो सब कुछ फिर ठीक से मिलेगा, मैं किसी से मदद मांगने नहीं जाऊंगा, ऐसा सुदामा जी कह रहे हैं। ठीक है, तो अब इनके इनके सामने अभी तक के जो हमने देखे वो सुदामा जी के जो है भैया बातें थी, कि सुदामा जी ने जो है वो ये कहा कि हमने कभी कोई अच्छे कर्म किए नहीं है, मतलब हमें कभी कुछ अच्छा मिलने वाला नहीं है, बराबर। तो भाई जो है उसमें ही खुश रहो और भगवान की भक्ति करो, मैं किसी से मदद मांगने नहीं जाऊंगा। तो अब इनके सामने उनकी पत्नी क्या जवाब देते हैं, तो उनकी पत्नी कहते हैं आंख भरी अबड़ा कहे ऋषि राय जी रे, आंख भरी अबड़ा कहे, है ना, आंख भरी मतलब भाई आंसू लेकर अबड़ा, अबड़ा उनकी पत्नी को कह रहे हैं कि भाई जो है भैया उनकी पत्नी कह रहे हैं ऋषि राय जी रे, ऋषि राय जी सुदामा के लिए वर्ड है, जैसे आगे वो वर्ड रिपीट हो रहे थे वैसे ही। मारू जड़ थयू छे मन लागू पाए जी रे, मारू जड़ थयू छे मन, भाई मेरा मन अब जड़, जड़ मतलब कि भाई अब जो है भाई मेरा मन एक जगह अटक गया है, मेरा मन में जो है भाई एक बात अब बस गई है। लागू पाए जी रे, लागू पाए जी मतलब भाई मैं जो है भाई आपके पैर छूती हूँ। देखो अब इसमें भी ये वर्ड जो है भाई ये रिपीट होंगे, ऋषि राय जी रे, लागू पाए जी रे, ठीक है ना। तो इनकी ये बातें समझो, उनकी पत्नी क्या कह रही है कि मारू जड़ थयू छे मन, कि भाई मेरे मन में अब वो बात बस गई है, ए तो ज्ञान मने गमतू नथी। वो सुदामा जी कहते, सुदामा जी ने इतनी सारी बातें बताई ना कि कभी कोई हवन नहीं किया, कुछ जो है वो किसी के लिए अच्छा काम नहीं किया है, हमेशा पाप किए हैं, तो उनकी पत्नी कहते हैं ए तो ज्ञान मने गमतू नथी, भाई तुम्हारी ये बातें अब मुझे नहीं समझ में आती। रुए रुए बाड़क लावो अन्न, उनकी पत्नी कह रहे हैं कि भाई ये ज्ञान की बातें मुझे अभी नहीं समझ में आ रही है, रुए बाड़क लावो अन्न, कि भाई मेरे तो बच्चे अभी रो रहे हैं, मेरे लिए तो तुम खाना लेकर आओ, भाई मुझे अभी सिर्फ अन्न चाहिए, मुझे अब ये ज्ञान की बातें नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि जब जो है वो ये भूखा पेट हो, है ना, तो भूखे पेट भजन ना हो। वो कहते हैं कि भाई जब जो है भाई आप कुछ भी खाओ पियो नहीं, घर में अनाज ना हो, और उस वक्त ज्ञान की बातें की जाए तो वो किसी को अच्छी नहीं लगती। वो कह रहे हैं कि कोने अन्न बिना चाले नहीं, वो कहते हैं कि भाई अनाज के बिना किसको चलता है, हर किसी को अनाज की जरूर है। मोटा जोगेश्वर हरि भक्त, कहना मोटा जोगेश्वर मतलब बड़े बड़े जो है वो भगवान जैसे लोग भी, हरि भक्त बड़े बड़े साधु संत भी, हर किसी को अन्न चाहिए, तो क्या हमें नहीं चाहिए होगा। अन्न विण भजन सूझे नहीं, वो कहता है ना अन्न विण भजन सूझे नहीं, भाई भूखे पेट भजन न हो, बरोबर, कि भाई बिना अनाज बिना खाए पिए तो भजन भी नहीं होते, भगवान की भक्ति भी नहीं होती, भाई अनाज तो सबको चाहिए, उसके बिना कैसे चलेगा। जीवे अन्ने आखू जगत, उनकी पत्नी कह रहे हैं कि भाई इस अन्न भाई इस अनाज के ऊपर ही तो पूरी दुनिया चल रही है। और उनके एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं शिवे अन्नपूर्णा घरे राखिया, शिवे अन्नपूर्णा घरे राखिया, कहते हैं भगवान शिव ने भी अन्नपूर्णा को खुद अपने घर पे रखा है। अन्नपूर्णा जो पार्वती माता के लिए एक नाम कहा जाता है, अन्नपूर्णा मतलब जो वो कहते हैं ना कि भाई जो है भाई अनाज पूर्ण करने वाली अनाज की देवी, जैसे पार्वती माता को कहते हैं, कहते भगवान शिव ने तो अन्नपूर्णा को ही खुद अपने घर रख दिया है, कहते हैं ना उन्हें भी तो अनाज की जरूरत है। ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान को भी अनाज की जरूरत है, उन्होंने तो खुद अन्नपूर्णा को अपने घर रखा। रविये राख्यो अक्षय पात्र, रविये राख्यो अक्षय पात्र, रवि रवि कहते हैं सूर्य भगवान को, सूर्य देव को, है ना, सूरज को कहते हैं, सूर्य देव को कहते हैं, उन्होंने भी अपने पास अक्षय पात्र रखा है। अक्षय पात्र मतलब एक ऐसा पात्र, एक ऐसा बर्तन, एक ऐसी जो है वह चीज़ कहलाती थी कि जिसमें कभी कोई चीज़ की कमी ना हो, जिसमें हमेशा भरपूर अनाज और भरपूर जो है वह चीज़ें भरी गई हो, ऐसे एक पात्र को कहते हैं अक्षय पात्र। तो उनके लिए भी कहते हैं रविये राखियो अक्षय पात्र, कि भाई खुद सूरज देव ने भी, सूरज भगवान ने भी अपने पास अक्षय पात्र रखा हुआ है।
ऋषि सेवे काम धेनु ने, है ना। ऋषि जो ऋषि मुनि होते हैं वो भी अपने पास काम धेनु रखते हैं। काम धेनु के लिए कहा जाता है कि भाई इच्छा पूरी करने वाली गाय, उसे कहते हैं काम धेनु। बराबर ना, पहले के समय में माना जाता था काम धेनु वो कहलाती थी कि जो जो हमारे मन की हर एक इच्छा जो है वो ये पूरी करती हो। तो कहते हैं ऋषि सेवे काम धेनु ने, है ना, कि भाई ऋषि मुनि भी अपने पास काम धेनु रखते हैं। तो आपने ते कौन मात्र है, तो आपने ते कौन मात्र मतलब उन सब के सामने हम कौन कहलाए। बराबर, तो देखो जब सुदामा जी ने उन्हें कहा कि भले अनाज नहीं है, जो है उसमें संतुष्ट रहो और भगवान की भक्ति करो, ऐसा सुदामा जी ने आखिरी में कहा, तब उनकी पत्नी कह रहे हैं कि भाई मुझे ये सब नहीं सुनना है, भाई मुझे तो सिर्फ अनाज ही चाहिए, भाई अनाज बिना किसको चलता है। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान शिव को भी अनाज चाहिए, भाई सूर्यदेव को भी, और ऋषि मुनियों को भी अगर अनाज चाहिए तो आपने ते कौन मात्र, तो भाई हम कौन है, हमें भी तो अनाज की जरूरत है ना। और कह रहे हैं आखिरी में कि सुर सेवे कल्प वृक्ष ने मन वांछित पामे आहार। कहते हैं सुर, सुर मतलब देव कहते हैं, सुर और असुर कहते हैं ना, असुर मतलब राक्षस दानव, तो ये सुर मतलब देव। सुर सेवे कल्प वृक्ष ने, कल्प वृक्ष मतलब ऐसा कहलाता है कि इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष, कल्प वृक्ष उसे कहते हैं। तो कहते हैं सुर जो देव होते हैं ना, वो भी कल्प वृक्ष सेवे मतलब उन्हें संभालते हैं। मन वांछित पामे आहार, मन वांछित मतलब अपनी इच्छा का खाना वो लेते हैं। तो कहते हैं ना भाई सब देव दानव भी जो है वो अपने पास एक कल्प वृक्ष रखते हैं कि जिससे उन्हें अपनी इच्छा का खाना मिले। धर्म प्राण अन्न बिना नहीं, कहते हैं कोई धर्म, कोई प्राण, कोई जीवन वो अन्न अनाज के बिना नहीं चलता। उभो अन्ने सकड़ संसार, कहते हैं कि भाई सकड़ संसार ये पूरा जीवन ही उभो अन्ने भाई अनाज पर ही खड़ा हुआ है, अनाज पर ही चल रहा है पूरा जीवन। फेरानु फड़ जाशे नहीं, जई जाचो कृष्ण बरदेव। तब तो उनकी पत्नी कह रही है कि जई जाचो, जाचो मतलब उनसे मिलो, उनसे बात करो, कृष्ण बरदेव, कृष्ण और बलदेव, कृष्ण और उनके भाई बलदेव। कहते हैं जाकर कृष्ण बलदेव से मिलो, फेरानु फड़ जाशे नहीं। फेरानु फड़ मतलब कि एक बार फेरा मतलब एक बार मिलके आओगे ना तो उसका फल जाएगा नहीं, मतलब वो जो है वह वेस्ट नहीं जाएगा, श्री कृष्ण जरूर मदद करेंगे। अक्षर लख्या दरिद्र ना दोषे धरणी धर तत खेव। कहते हैं अक्षर लख्या दारिद्र ना, अक्षर मतलब जो नसीब में लिखा हुआ है, दारिद्र दारिद्र मतलब जो गरीबी। उनकी पत्नी कह रही है कि जो नसीब में गरीबी लिखी हुई है ना, दोषे धरणी धर, धरणी धर, धरणी धर मतलब जो है वह ये श्री कृष्ण का एक नाम है, कि जो धरणी मतलब जो पृथ्वी, जो जो धरती को अपने अपने हाथ में उठाया था, जो गिरिधर उन्हें कहते हैं ना, वैसा ही जो है वो दूसरा नाम धरणी धर। तो कहते हैं दोषे धरणी धर तत्खेव, तत्खेव मतलब उसी वक्त, ऑन द स्पॉट। तो उनकी पत्नी कह रही है कि जो हमारे नसीब में जो दरिद्र है, जो गरीबी लिखी हुई है ना, श्री कृष्ण आकर उस गरीबी को एक ही पल में धो देंगे, वे एक ही पल में वो गरीबी दूर करेंगे, तो आप श्री कृष्ण से मिलकर आओ। और आखिरी में वो कह रहे हैं कि तत्खेव त्रिकम छेदशे दारिद्र केरा जाड़ रे, प्राणनाथ पधारो द्वारिका हूँ मानू तमारो पाड़ रे। उनकी पत्नी आखिरी में कह रहे हैं कि तत्खेव त्रिकम छेद से, है ना, तत्खेव के उसी वक्त, त्रिकम छेद से, कि त्रिकम वो भी श्री कृष्ण के लिए कह रहे हैं कि भाई वो दूर करेंगे। क्या दूर करेंगे, तो दारिद्र केरा झाड़ रे, दारिद्र दारिद्र मतलब जो गरीबी के झाड़, जो गरीबी के पेड़, मतलब जो गरीबी हमारे जीवन की है, वो ये त्रिकम, वो श्री कृष्ण एक ही पल में जो है वो ये दूर करेंगे। प्राणनाथ पधारो द्वारिका, वो प्राणनाथ अपने सुदामा अपने पति को कह रहे हैं कि पधारो द्वारिका, कि आप एक बार द्वारका होकर आओ, हूँ मानू तमारो पाड़ रे, हूँ मानू तमारो पाड़, पाड़ मतलब एहसान, भाई मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी, तुम एक बार द्वारिका जरूर होकर आओ। ठीक है, बरोबर ना। तो ये जो है वो ये कन्वर्जेशन थी सुदामा और उनकी पत्नी में, ठीक है, कि जब जो है वो उनकी पत्नी उन्हें रिक्वेस्ट करती है कि भाई मैं पैर पड़ती हूँ, तुम एक बार जो है वो श्री कृष्ण के पास जरूर हो कर आओ। तो उनकी पत्नी के कहने पर ही तो वो फिर सुदामा जो है वो श्री कृष्ण के पास जाते हैं, और आगे की बात हमें पता है कि श्री कृष्ण जो है वो उनका जीवन बदल देते हैं, उनकी बहुत मदद करते हैं। बरबर, तो जैसे आज हमने ये पोएम समझी ना, अब इस गुजराती के चैप्टर्स हम लोग जो है वो ये नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।